मैं थक गई हूँ काम कर करके। ये परी की बच्ची पता नहीं किधर रह गई। ए परी, एक ग्लास मुझे पानी देना। हाँ भाभी, आ रही हूँ। ये भाभी को भी एक पल चैन नहीं है, सारा दिन काम 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 काम। जाती हूँ। क्या हुआ, आपने बुलाया था? एक ग्लास पानी देना। शर्म कर लो, पूरा दिन काम 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 काम, कभी खुद भी कर लिया करो, कभी पड़ी ये कर दो, पड़ी वो कर दो। शर्म तो कर ले, तेरे आने से पहले मैंने कितना काम किया। बड़ी के सामने जबान चलाती हो। हाँ तो ठीक है ना भाभी, मैं भी तो आपकी छोटी बहन की तरह एक तो आपके नमूनों को संभालू, ऊपर से घर का काम भी। तो जब देखो तब लड़ने की बड़ी होती हूँ काम कर करके। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। इस भाभी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरा जीना हराम। हेलो, कैसी हो आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? माँ मैं भी ठीक हूँ, बस एक भाभी ने मेरा जीना हराम किया हुआ। जब से आप दुबई गई हैं भाई तो रात को लेट आते हो, भाभी मुझे इतना जलील करती है, पूरे घर का काम करवाती हूँ, मैं बच्चों को भी संभालती हूँ, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं है। हाँ वो लड़ती हैं, आप जल्दी से वापस आ जाए। माँ क्या, अभी कुछ और महीने लगेंगे? अच्छा तो माँ कुछ ऐसा बताए ना जिससे भाभी मेरे काबू में आ जाए। अच्छा तो ये बात है, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ और दम वाला पानी आपको भेजती हूँ। तो जब भी आपकी भाभी आपसे लड़ाई करे तो आप एक घोट मुंह में ले लिया करो, बोलने वो कभी लड़ेगी नहीं आपसे। ठीक है माँ, जल्दी से पानी भेजो। जरूरी काम से बाहर जा रही, आज खाना तू बना ले। आज कुछ बोल क्यों नहीं रही, वरना कुछ भी कहो तो काटने को दौड़ती है। ओ मैडम क्या आ गया, तभी तो ठीक है ना, उनका काम खत्म है तो खाना भी बना लेना। रोज मैं खाना बनाती हूँ तो यहाँ वहां किसक जाती हूँ। अरे ये तो कुछ बोल भी नहीं, उधर जाए ऐसा लगता भी नहीं। मैं बाहर जा रही सब्जी लेना, अच्छा खाना बना लेना। अरे छोटी को क्या हुआ, जरा कुछ कहो तो काटने को दौड़ती है। हाँ लगता है वो हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रही। मैंने फजूल में ऐसे ही उतना डांट दिया उसे, माफ़ी मांग लेती हूँ, एक नए रिश्ते की शुरुआत करती हूँ। आप वो कुछ बोलती नहीं हूँ उसे। ओ छोटी, ओ छोटी। हाँ भाभी बोलो। छोटी अनजाने में पता नहीं मैं तुझे क्या क्या कह देती हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। भाभी आप माफ़ी मत मांगो, आप दो बार बोल सकते हो। ऐसे हम कभी भी नहीं लड़ेंगे, तू बैठ, आज के बाद हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तू बैठ, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तू बता बाकी के काम करके थक गई होगी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, आ जाना आराम से। हाँ माँ, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है, जो आपने मुझे दम वाला पानी भेजा था ना, उससे भाभी सुधर गई है। बेटा जो मैंने पानी भेजा था वो दम वाला पानी नहीं था, वो एक नॉर्मल पानी था। जब जब तू मुंह में पानी डालती थी तो क्योंकि तू चुप रहती थी इसलिए लड़ाई तुम्हारी नहीं थी। और टकराव दोनों तरफ से हो तो लड़ाई बढ़ती है, अगर एक तरफ से हो तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तेरी भाभी गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, उसके साथ अच्छे से रहा करो। जी माँ, थैंक यू माँ।